भाई हमने कुछ दिवस पूर्व ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में अथाह आग देखी थी। वो सारे जंगलों को तहस नहस करने में लगी थी। लेकिन आपको पता है, इस अग्नि से भी ज़्यादा भयंकर और भयानक एक और अग्नि है, जिसका नाम है ईर्ष्या की अग्नि। एक एक जीव इस अग्नि में जल रहा है। अज्ञानी के पास इस अग्नि को बुझाने का कोई उपाय नहीं। वो तो सिर्फ दूसरे से कंपटीशन करके अपनी सुख शांति समृद्धता को जलाने में लगा है। ये आगे ना बढ़ जाए, ये मुझसे तेज ना निकल जाए, इसको ज़्यादा नंबर ना मिल जाए, इसकी तारीफ ना होने लगे, इसका हमसे अच्छा कुछ ना हो जाए। भाई तुम चिढ़ते क्यों हो? यदि उसका पुण्य का उदय होगा तो ऐसे सब कुछ होगा। तुम्हारा पाप का उदय होगा तो तुम पीछे रह जाओगे, और तुम्हारा पुण्य का उदय होगा तो 100 आदमी आ जाए, तुम्हें नहीं रोक सकते। तुम क्यों किसी से ईर्ष्या करते हो? तुम क्यों ईर्ष्या की आग में जलते हो? भाई किसी से किसी का कुछ नहीं रुकता, किसी से किसी की कोई हानि नहीं होती। इस जगत में होता स्वयं जगत परिणाम, और फिर एक एक परमाणु, एक एक परिणमन, एक एक घटना उदयाधीन है, अपने अपने उदय के अनुसार हो रही है। तुम क्यों किसी से चिढ़ रहे हो? आपको पता है, आप दूसरे का अभ्यास चाहते हैं तो आपका अभ्यास हो जाता है। आप दूसरे की तरक्की रोकते हैं तो आपकी तरक्की रुक जाती है। आप दूसरों के बारे में बुरा सोचते हैं तो आपका बुरा हो जाता है। प्रभु क्यों अपना बुरा कर रहे हैं? क्यों किसी से चिढ़ रहे हैं? प्राप्त पुण्य में, प्राप्त संयोग में, प्राप्त सामग्री में प्रसन्न रहिए। संतोष बड़ा धन है। संतुष्ट व्यक्ति ही आनंद में जीवन जीता है। असंतुष्ट व्यक्ति व्यग्र होता है, हैरान परेशान होता है। इसलिए मेरे भाई, इस सुंदर अवसर को ईर्ष्या मत खराब करो। ईर्ष्या करने वाले अग्नि पर्याय में अग्नि काय में पहुंच जाते हैं, जलते रहते हैं, जलते रहते हैं हजारों हजारों वर्ष। इसलिए इस अंदर अंतरंग की जलन को बुझाओ। अंदर से हम प्रभु में ये स्वीकार करो, और बाहर में पुण्य प्रमाण वस्तु व्यवस्था है, उसे स्वीकार करो। और उससे बेहतर ये बात है कि पर में सुख नहीं है, पर पद में सुख नहीं है, बाहर की तरक्की में सुख नहीं है। ऐसी मिथ्या सुख बुद्धि छोड़ दो तो ना आपको बाहर में अपना विकास दिखेगा और ना विनाश। विचारना भाई, स्वरूप तो ऐसा ही है।